नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आपका स्वागत है। आज हम आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 13 करवाएंगे, जो हमारी आर्मी की सीरीज चल रही है आर्मी के प्रश्न पत्रों की। तो उसमें अभ्यास प्रश्न पत्र 13 के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेश्चन को करेंगे। और इस तरह से जिन बच्चों ने हमारे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो वो एक से शुरू होकर लास्ट तक देख ले। एक्सप्लेनेशन कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो उनके एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं होती है, कोशिश रहती है कि बताई जाएं, तो बार बार फिर भी एक आध पॉइंट रह जाता है। तो आप हर एक प्रश्न पत्र को डिटेल से देखें। तो आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 13 करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखें, सागर क्लासेस रोहतक RTK, सागर क्लासेस RTK अभ्यास पेपर 13। बता दें स्टूडेंट्स, आपको यदि चैनल पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, लंदन कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है अपना, लंदन कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट्स बता दें, यह इंग्लैंड में है। इंग्लैंड, ये हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा। यह इंग्लैंड की राजधानी है। इंग्लैंड की राजधानी कौन सी है? लंदन। कई बार ये पूछ लेता है कि किस महाद्वीप में है इंग्लैंड, तो स्टूडेंट्स यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। कई बार ये पूछ लेता है कि लंदन किस नदी के किनारे है, तो यह टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे। दूसरी चीज़, यहाँ से प्रश्न आता है स्टूडेंट्स, ग्रीनविच लंदन, ग्रीनविच लंदन से हमारी मानक समय रेखा भी गुजरती है, मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। ये भी पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से भारत का समय कितने घंटे आगे है, तो स्टूडेंट्स बता दें, भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। और भारत की मानक समय रेखा कितनी है? भारत की मानक समय रेखा, ये स्टूडेंट्स 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। लंदन कहाँ स्थित है? इंग्लैंड की राजधानी है। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का देश है स्टूडेंट्स। और लंदन ग्रीनविच से जो है, ग्रीनविच लंदन से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है। और भारत का समय जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई, किस किस के बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? तो स्टूडेंट्स, ये पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, ये आपका आंसर आ जाएगा अकबर वर्सेस हेमू। समय पूछ ले तो 1556 में यह लड़ाई लड़ी गई। और अकबर की तरफ से जो सेनापति थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो थे स्टूडेंट्स बैरम खां। एक्चुअल में जो है, उस समय अकबर मात्र 14 वर्ष के थे, बैरम खां ने ही लड़ाई लड़ी थी, सारा चार्ज बैरम खां के ही पास था, इन्हीं के दम पर लड़ाई जीती गई थी। और यह 1556 में लड़ाई लड़ी गई थी स्टूडेंट्स। हेमू के बारे में आ जाए स्टूडेंट्स, अंतिम हिंदू शासक कौन थे? अंतिम हिंदू शासक, तो स्टूडेंट्स ये हेमू थे। हेमू जो है अंतिम हिंदू शासक थे, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, प्रश्न है 1965 में किस किस के बीच युद्ध हुआ? बिल्कुल आसान प्रश्न है, 1965 में
किस किस के बीच युद्ध हुआ, किस किस के बीच युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। तो स्टूडेंट्स ये जो युद्ध है आपको पता है कि भारत वर्सेज पाक के मध्य हुआ था, भारत वर्सेज पाक के मध्य हुआ था। और युद्ध के पश्चात जो है स्टूडेंट समझौता हुआ था उसको बोलते हैं ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। ये स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है कौन सी, ताशकंद। यहाँ पे समझौता हुआ था भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू उन दिनों भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भाग लिया था। तो 1965 में भारत वर्सेज पाकिस्तान के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी, लड़ाई के बाद में ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखें भाई ताशकंद समझौता आ जाए कब हुआ था, तो स्टूडेंट्स ये 1966, एक साल 1966। नेक्स्ट देखें क्या कहता है प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है। तो देखें भाई प्रश्न का उत्तर आ जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये स्टूडेंट्स एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है, असम में, असम की राजधानी आ जाए तो स्टूडेंट्स पता है आपको दिसपुर असम की राजधानी है, वहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और 1985 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में डाला, विश्व विरासत सूची में डाल दिया था, सूची में डाला था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये असम में स्टूडेंट्स दो चीज़ें और हैं, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके ऊपर मांजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मांजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप। छोटा भी यहीं पे है, छोटा है स्टूडेंट्स उमानंदा, उमानंदा छोटा नदी द्वीप कौन सा है, उमानंदा। तो दो नदी द्वीप हैं ये विश्व के छोटे और बड़े, दोनों असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित हैं। और असम में ही स्टूडेंट्स काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी असम में है, मानस, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये भी असम में है। तो इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो देखें भाई भारत का सर्वोच्च सेनापति, भारत का जो सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं ये, दूसरे दलित राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। वैसे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये देश के प्रथम नागरिक और देश के सर्वोच्च सेना प्रमुख होते हैं, भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, मेजर पद किस में होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पदों की एक दिन तालिका आपको सारी करवाएंगे। मेजर पद तो स्टूडेंट्स ये आर्मी में होता है, आर्मी थल सेना, थल सेना में यह पद होता है। नेक्स्ट देखें प्रश्न है, थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष,
तो स्टूडेंट्स वर्तमान में जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं वो हैं आपके मनोज मुकुंद नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। इन्होंने विपिन रावत का स्थान लिया है, विपिन रावत का स्थान लिया है, स्थान लिया है। और ये 28वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं ये पूछ सकता है, तो ये 28वें नंबर के हैं। विपिन रावत को क्या बना दिया है, विपिन रावत, विपिन रावत को स्टूडेंट्स जो है CDS का पद दिया है, CDS का पद दिया है, चीफ डिफेंस का पद इनको दिया है। यहाँ पूछ ले स्टूडेंट्स आपका वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष कौन है और आपके नौसेना अध्यक्ष कौन है, नौसेना अध्यक्ष। तो इनके बारे में और देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपके जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो हैं आपके विक्रमवीर और RKS भदौरिया जो हैं आपके वायुसेना अध्यक्ष हैं, RKS भदौरिया और यहाँ पर हैं करमवीर, करमवीर सिंह। तीनों का आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये विशेषकर आर्मी के लिए कि कौन सी सेना का प्रमुख कौन है। तो यहाँ पर CDS वाला जो है विपिन रावत है, तीनों के ऊपर ये विपिन रावत, और उसके बाद में थल सेना मनोज मुकुंद नरवाणे हैं, 28वें हैं, विपिन रावत का स्थान दिया, विपिन रावत को CDS वाला पद दे दिया है। वायुसेना, वायुसेना स्टूडेंट्स, वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया हैं, नौसेना अध्यक्ष जो हों करमवीर हैं। अब देखिए चर्चा आ गई थी किसकी, वायु थल सेना की, इसका हम दिवस और बता देते हैं। थल सेना दिवस होता है 15 जनवरी, 15 जनवरी को थल सेना अध्यक्ष, थल सेना दिवस होता है। वायुसेना दिवस होता है स्टूडेंट्स 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, और ये नौसेना अध्यक्ष होता है, नौसेना दिवस होता है 4 दिसंबर। तीनों के प्रमुख मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वायु ये दिवस पर बता देता हूँ, जो आपका ये स्थलीय सेना जो थल सेना है, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, और जो वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखें इसको हम साफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरी देखिए अच्छी तरह से, लीड वगैरह लगा के और अपना रजिस्टर और पेन लेकर के खुद के नोट्स निकालिए स्टूडेंट्स, समय काफ़ी कम है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो तब तक इतना पेपर का लेवल ऐसा होता नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे जो आपको पेपर में आने वाला है वो हर एक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8 से 10 बार ज़रूर बताया गया होगा, ऐसा पेपर आएगा। तो देखिए भी क्या कहता है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह, तो स्टूडेंट सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र होता है, शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। 225 दिन में परिक्रमा, यह 225 दिन में परिक्रमा करता है, सबसे गर्म भी यही है, गर्म ग्रह है शुक्र, और इसको हम बता दें भोर का तारा और शाम का तारा भी बोलते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा और सांझ का तारा, या मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, सौंदर्य का देवता भी बोला जाता है, सौंदर्य का देवता भी शुक्र को बोला जाता है, और पृथ्वी की बहन भी इसी को कहते हैं, पृथ्वी की बहन। शुक्र ग्रह के बारे में यदि स्टूडेंट्स में इसके आकार में बताऊं तो यह आकार में 6th नंबर पर है, और यह सूर्य से दूरी के अनुसार जो है स्टूडेंट्स यह 2nd नंबर पर है, यह आपको ध्यान में रखना है।
कई बार ये पूछ लेता है कि सौरमंडल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो वो कोपरनिकस ने दिया था भाई। ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा था पहले, सौरमंडल के सिद्धांत का प्रतिपादन देने वाले व्यक्ति कौन थे? कोपरनिकस थे, आपको ध्यान में रखना है। एक सौरमंडल से संबंधित स्टूडेंट्स अपने चैनल के ऊपर सोलर सिस्टम के दो पार्ट हैं, इसके बारे में यदि कंप्लीट जानकारी चाहिए है आपको, तो सागर क्लासेस आरटी के सोलर सिस्टम पार्ट वन सोलर सिस्टम पार्ट टू यूट्यूब पे डालोगे तो वो आपको लेक्चर मिल जाएगा, तो कंप्लीट इसके बारे में जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट देखो भी क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है आपका, मारडोना कौन से देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? मारडोना कौन से देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो मारडोना स्टूडेंट्स प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं आपके अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना। बता दें स्टूडेंट्स, मांस निर्यातक में यह प्रथम है, मांस का उत्पादन अधिक होता है, मांस का उत्पादन अधिक, यहाँ पर जो है मांस का उत्पादन जो है वो अधिक होता है, मांस का उत्पादन। नेक्स्ट, कथकली कहाँ का नृत्य है? क्वेश्चन है कथकली कहाँ का नृत्य है, नृत्य है। इसके साथ में मोहिनीअट्टम को और जोड़ देते हैं, मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो दोनों का आंसर जो है स्टूडेंट्स कौन सा है? केरल। केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के ही प्रसिद्ध नृत्य हैं। देखिए केवल केरल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है आपकी परीक्षा के लिए, जिस तरह से पूछ ले नारियल कहाँ अधिक होते हैं, केरल में होते हैं, नारियल केरल में अधिक होते हैं, मसाले कहाँ अधिक होते हैं, केरल में होते हैं, मसाले भी सर्वाधिक जो है वो केरल में होते हैं। और भाई आपका यहाँ पर एक नाम मिलेगा आपको पेरियार, पेरियार नाम से केरल में झील भी है, पेरियार नाम से केरल में बांध भी है, पेरियार नाम से केरल में वन्य अभ्यारण्य भी है, वन्य अभ्यारण्य भी है, पेरियार झील, पेरियार बांध, पेरियार वन्य अभ्यारण्य और पेरियार नदी, चारों चीज़ें जो हैं आपको इस नाम से केरल में मिलेंगी। एक समुद्र की रानी कोच्चि बंदरगाह, समुद्र की रानी कोच्चि बंदरगाह ये भी कहाँ पर है? ये भी केरल में है, कोच्चि बंदरगाह। एक स्टूडेंट शांति घाटी, शांति घाटी ये भी कहाँ पे है? केरल में है, शांति घाटी केरल में है। पेरियार नाम से नदी वन्य अभ्यारण्य बांध और झील केरल में है। केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है, नारियल का उत्पादन अधिक जो है वो केरल में होता है। एक स्टूडेंट्स यहाँ पे लिंग अनुपात, लिंग अनुपात में पूरे देश में इसका नाम है सर्वाधिक। दूसरा साक्षरता दर, साक्षरता दर में भी पूरे देश में इसका नाम है सर्वाधिक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है केरल, और ये जो प्रश्न मैंने केरल के बारे में लिखवाए हैं ये कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों के दोनों नृत्य कहाँ के हैं? केरल के हैं। नारियल उत्पादन में केरल, समुद्र की रानी केरल, कोच्चि बंदरगाह को बोलते हैं समुद्र की रानी जो केरल में है, अरब सागर की रानी भी इसको बोला जाता है। और भाई आपका मसालों में केरल है, पेरियार नाम से झील बांध वन्य अभ्यारण्य नदी और शांत ये आपका केरल में है, शांति घाटी केरल में है, लिंग अनुपात केरल का सर्वाधिक है, स्टूडेंट्स 184 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे 2011 की जनगणना के अनुसार। और भाई साक्षरता दर भी यहाँ पे जो है 93.91% साक्षरता है, पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है केरल, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो देखें भाई ये क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? इनका सेक्टर पूछा गया है भाई कि इनका सेक्टर कौन सा है, तो हमको बताने हैं आर के लक्ष्मण जो हैं स्टूडेंट्स ये आपके कार्टूनिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं स्टूडेंट्स। इनकी एक रचना है,
कई बार पूछी जाती है, द कॉमन मैन, द कॉमन मैन, और ये मैसूर से संबंधित है, मैसूर से संबंधित है, मैसूर से यह संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, अरिहंत क्या है। इस तरह का एक प्रश्न आसान सा पेपर में आ ही जाता है कि जो आपके हथियार हैं स्टूडेंट्स उनसे रिलेटेड पूछ लेता है कि भई ये अस्त्र शस्त्र जो हैं इनके नाम क्या हैं, पता है आपको नाम होते हैं इनके, तो एक बार इसको साफ कर देते हैं। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, मेरी जो मेहनत है ये मेहनत का फल आपका शेयर और सब्सक्राइब रही है। जितने ग्रुप हैं नज़दीक नियर एंड डियर, कोई भी भाई बहन पढ़ना चाहता है तो वहाँ आप उसको सेंड कर सकते हो, ये उसकी मर्जी है, पढ़े न पढ़े। इस तरह से आप 10, 5, 20, 50 को शेयर करोगे तो ज़रूरतमंद लड़का जो है वो ज़रूर किसी न किसी का आपके माध्यम से भला हो जाएगा। तो देखें अभी क्या कहता है, अरिहंत क्या है। अरिहंत क्या है, तो स्टूडेंट्स अरिहंत जो है पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी है। कई बार ये पूछ लेता है रुद्र क्या है, या चिनुक क्या है, चिनुक क्या है, या अपाचे क्या है। तो स्टूडेंट्स रुद्र, चिनुक और अपाचे ये हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर। दूसरा ये पूछ लेता है कि भी अर्जुन क्या है, अर्जुन स्टूडेंट्स टैंक है, अर्जुन जो हो टैंक है। तेजस क्या है, तेजस का पूछ ले, तो तेजस जो है स्टूडेंट्स आपका ये विमान है, लड़ाकू विमान, स्वदेश में निर्मित विमान है तेजस, लड़ाकू विमान। या एफ 16 क्या है, ये भी एक लड़ाकू विमान है। या मिग 21 क्या है, मिग 21 ये भी क्या है, एक लड़ाकू विमान है। नाग क्या है ये पूछ ले, नाग क्या है, या फिर आपका पृथ्वी क्या है, तो स्टूडेंट्स ये मिसाइलें हैं, मिसाइलें, ये मिसाइलें हैं, और मिसाइल मैन कौन है, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम, इनको क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन बोलते हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं ये, तो काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे भाई। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया कौन होता है। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, राज्य सरकार की विधानसभा, राज्य सरकार की विधानसभा का मुखिया, विधानसभा का मुखिया, तो राज्यसभा की विधानसभा का मुखिया होता है स्टूडेंट्स आपका मुख्यमंत्री। आंसर क्या आ जाएगा, मुख्यमंत्री। ये पूछ ले विधानसभा जो है इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद पूछ ले तो स्टूडेंट्स आपको बता देना है 170 में है, और संविधान का भाग पूछ ले तो आपको बता देना है 6 भाग है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन है, और इसका जो मुखिया है स्टूडेंट्स वो मुख्यमंत्री होता है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट देखिए भी क्या कहता है, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की, तो विवेकानंद ने किसकी स्थापना की स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा, विवेकानंद ने स्थापना किसकी की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विवेकानंद के द्वारा की गई थी। लास्ट वीडियो में हमने पूछा था कि 1875 में किस समाज की स्थापना हुई थी, तो कमेंट आए स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के, काफ़ी बच्चों ने बताया कि भैया 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी एक पुस्तक भी थी सत्यार्थ प्रकाश, पता है आपको, बताया था हमने। तो देखें भी क्या कहता है, बोध ग्रंथ से संबंधित भाषा कौन सी है, तो यहाँ देख लीजिए एक बार, बोध ग्रंथ से संबंधित भाषा कौन सी है, भाषा कौन सी है, तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, बोध ग्रंथ से संबंधित भाषा कौन सी है, तो ये है स्टूडेंट्स आपकी पाली भाषा,
पाली भाषा जो है स्टूडेंट्स बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म चलाया किसने था? तो ये चलाया था महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने चलाया था स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध द्वारा चलाया गया था। इनका जन्म आ जाता है कई बार, इनका जन्म स्टूडेंट्स, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। इनकी स्टूडेंट्स यदि जन्म की मैं बात करूं तो कहाँ पे हुआ था जन्म? लुम्बिनी। ये प्रश्न आया हुआ है पहले आपके प्रश्न पत्र में, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान प्राप्ति तो बोध गया में, बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो है आपका बोध गया में हुई थी। और ये पूछ लेता है स्टूडेंट्स कुशीनारा कहाँ स्थित है, तो ये यूपी में स्थित है। और ये जो लुम्बिनी है नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के निकट है। महात्मा बुद्ध का कई बार बचपन का नाम पूछ लेता है, तो स्टूडेंट्स इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम पूछ लेता है, तो पिता का नाम था सुदोधन। माता का नाम पूछ लेता है, माता का नाम था स्टूडेंट्स महामाया, महामाया। और पालन पोषण पूछ ले किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने किया था। पुत्र का नाम पूछ ले क्या है, तो पुत्र का नाम राहुल है। सारथी का नाम पूछ ले क्या है, इनके सारथी का नाम चन्ना है। सारथी का नाम जो है इनका चन्ना था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एकाध प्रश्न महात्मा बुद्ध से संबंधित जरूर परीक्षा में बन जाता है, बिल्कुल आसान आसान ये चीज़ें हैं। दो चार बार आप वीडियो को देखोगे तो वैसे याद हो जाएंगी। तो देखें भी क्या कहता है, नेक्स्ट देखें क्या कहता है। कहता है कि आपका कुछ एक ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न आ गए हैं स्टूडेंट्स, इनको कर लेते हैं। पैर और मुंह की बीमारी किसे होती है? तो जिसको लोकल भाषा में हम मुंह खुरी भी बोलते हैं, इसमें लिख दिया पैर और मुंह की बीमारी किसे होती है। पैर और मुंह की बीमारी साफ कर लेते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैलाइए चैनल को। तो देखें पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है, तो ये पशुओं को होती है। क्वेश्चन है पैर प्लस मुंह की बीमारी किसको होती है, तो इसको मुंह खुरी भी बोलते हैं। किसको होती है स्टूडेंट्स, ये पशुओं को होती है। इसमें पशु से चला नहीं जाता है और अच्छी तरह से खाया पिया भी नहीं जाता है। तो देखें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट है गन पिस्टल किसका मिश्रण है। गन पिस्टल, गन मेटल बोलता है ये, गन मेटल किसका मिश्रण है। गन मेटल किसका मिश्रण है, गन मेटल किसका मिश्रण है, तो क्या आंसर आ जाएगा, तांबा है। गन मेटल में स्टूडेंट्स एक तो तांबा होता है, टीन सीसा जस्ता, टीन सीसा जस्ता, ये जो है इनका मिश्रण होता है। और लोहा भी होता है भाई, लोहा भी होता है। तो मैक्सिमम यही मिलता है आपको, तांबा टीन सीसा ये मिलता है, यहाँ से ही प्रश्न क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए भी क्या कहता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो स्टूडेंट्स रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, सेल बदलता है। जिस तरह से पिछले पेपर में हमने पढ़ा था कि यांत्रिक जो ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जनरेटर बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर बदलती है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कौन बदलता है, बल्ब बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है, हीटर बदलता है। तो ये इस तरह से आसान आसान चीज़ें हैं, हो जाएंगी याद, कुछ टफ ज़्यादा टफ टास्क ये है नहीं। नेक्स्ट देखें एक किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। एक किलो कैलोरी, एक किलो कैलोरी बराबर है 1000 कैलोरी, यही प्रश्न था बस। एक किलो कैलोरी में कितनी होती हैं, 1000 कैलोरी होती हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। ब्रह्मांड का
ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं खगोल। इसको खगोल कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को खगोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है। कहता है मानव का कौन सा भाग सूचना का भंडारण करता है? तो मानव का कौन सा भाग सूचनाओं का भंडारण करता है? मानव का कौन सा भाग सूचनाओं का भंडारण करता है? सूचनाओं का भंडारण करता है तो स्टूडेंट्स, ये मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का एक भाग होता है स्टूडेंट्स, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये क्या करता है? सूचनाओं का संग्रह करता है। तीन भाग होते हैं मस्तिष्क के। मस्तिष्क एक ऐसा भाग है स्टूडेंट्स जिसमें पेन रिसेप्टर नहीं होते। दर्द का संकेत देने वाले जो रिसेप्टर हैं वो नहीं होते हैं मस्तिष्क में। और मस्तिष्क एक ऐसा भाग है जिसमें सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। मस्तिष्क में खराब होने के बाद में ठीक होने की क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्षमता लीवर में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीन भाग हैं मस्तिष्क के, प्रोसेंसेफैलोन, मीसेंसेफैलोन, एंड्रोम्बेंसेफैलोन। आगे चल करके इनके भी भाग आ जाते हैं। नर्वस सिस्टम का ये टॉपिक है, ये कभी आपको इंडिविजुअल करवाएंगे साइंस का। तो देखें भी क्या कहता है। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए स्टूडेंट्स चैनल को। शेयर और सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी कम गति है, इसमें आपका जाता कुछ नहीं है। जब आपको ये सुविधाएं फ्री मिल रही हैं तो जो है आप इतना हेल्प कर सकते हो। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा दो बुनियादी ऊर्जा किसकी हैं? गतिज ऊर्जा प्लस संभावित ऊर्जा। संभावित ऊर्जा दो बुनियादी प्रकार किसकी हैं? दो बुनियादी प्रकार किसकी हैं? किसकी हैं ये पूछा गया है। तो आंसर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा या ME, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पृथ्वी के कारण दिन और रात होते हैं, ये प्रश्न बनता है। पृथ्वी की किस गति के कारण? पृथ्वी की किस गति के कारण? किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? दिन और रात होते हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा प्रश्न का घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण जो है वो दिन और रात होते हैं। और इसका सही समय पूछे तो 23:56:04 है। पृथ्वी जो है 23:56:04 में अपने अक्ष तल पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इसका यदि हम वो टाइम पीरियड, परिक्रमा का टाइम पीरियड देखें, परिक्रमा ये आपका 365 सही 1/4 दिन होता है। इससे क्या बनते हैं? इससे ऋतुएं बनती हैं। ऋतुएं बनती, इससे क्या बनते हैं? इससे दिन और रात बनते हैं, ध्यान रखना है। दिन और रात घूर्णन गति से बनते हैं, परिक्रमा गति से ऋतुएं बनती हैं। परिक्रमा गति को वार्षिक गति भी कहते हैं, इसको वार्षिक गति भी कहेंगे। और इसको स्टूडेंट हम दैनिक गति भी कहेंगे, दैनिक गति। इसको दैनिक गति भी कहेंगे, इसको वार्षिक गति भी कहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट देखें क्या कहता है। हृदय से रक्त की पंपिंग की खोज किसने की थी? हृदय से रक्त की पंपिंग, यानी कि हृदय जो है वो रक्त को पंप करता है, की खोज किसने की थी?
की खोज पूछ रहा है, तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ये भी स्टूडेंट्स जो है ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक के ऊपर कंप्लीट डाल रखा है। एक पार्ट है शायद इसका, दूसरा पार्ट हम जल्दी ही डाल देंगे, तो उसको आप ज़रूर देखना। ये जो है इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सारी जानकारियाँ उसमें दी गई हैं। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। रक्त प्रोटीन में पाया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो रक्त है, रक्त प्रोटीन में पाया जाता है। तो रक्त प्रोटीन में क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तीन प्रकार के प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट्स, एल्ब्यूमिन उनमें से ही एक का उदाहरण है, तो एल्ब्यूमिन जो है वो रक्त प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। एक नैनोमीटर में होते हैं, तो देखिए भाई इसकी इकाई के बारे में पूछा है। एक नैनोमीटर में होते हैं तो 10^-9 मीटर, एक नैनोमीटर होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 10^-9 मीटर। बस इतना ही प्रश्न है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस है स्टूडेंट्स आपकी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है ओके पर डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है? ओके, यहाँ पर केल्विन आएगा, ओके केल्विन पर डिग्री सेल्सियस का मान, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल आसान है, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है तो कौन सा बल अनुभव करता है वृत्ताकार चक्कर में अनुभव होने वाला बल? तो स्टूडेंट्स ये आपको बता दिया होता है अभिकेंद्रीय बल। ये जो सर्कसों में मौत का कुआ बोलते हैं, जिसमें बाइक चलाते हैं, वहाँ पर भी कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। साइकिल सवार मोड़ पर झुकता है किसके कारण से? अभिकेंद्रीय बल के कारण से झुकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी है, साइकिल सवार लगा सकता है, बाइक लगा सकता है, मोटर गाड़ी, कोई भी उदाहरण में दे सकता है। एक स्टूडेंट्स आपका इसमें आता है कि दूध मथने वाली मशीन या कपड़े धोने वाली मशीन, कपड़े सुखाने वाली मशीन, वहाँ पर जो है आपका अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, वहाँ पर अप हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, दूध वाली मशीन, कपड़े वाली मशीन, धोने वाली, सुखाने वाली, वहाँ पर कौन सा है? अपकेंद्रीय। और मौत के कुएं में या साइकिल सवार मोड पर, वहाँ कौन सा है? अभिकेंद्रीय। ये दो तीन प्रश्न हैं स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये था भाई आपका प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्न पत्र 13। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सागर क्लासेज रोहतक को जो है फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और यही एक तरह से और फ्री प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स ये, और इस तरह से आपको भी ये चीज़ें सारी फ्री में ही मिल रही हैं, तो और बच्चों का भी भला हो जाए, इस कारण से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।